नवनिर्वाचित विधायक शहनवाज आलम के आवास पर बीती रात एक दर्जन अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। उनकी बेटी बच्चे के साथ साथ उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। उनकी पत्नी के गिरेवान तक में हार डाला गया। और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि विधायक शहनवाज आलम का सगा भाई एवं पूर्व सांसद सरफराज आलम के ऊपर आरोप लगाया गया है। इन घटनाओं को अंजाम देने के पीछे सरफराज आलम का हाथ है। आपको बता दूं कि सरफराज आलम जो कि विधानसभा से राजद के उम्मीदवार थे, वही उनका छोटा भाई शहनवाज आलम MIM पार्टी के उम्मीदवार थे। जनता ने शहनवाज आलम को अपना विधायक चुना। लोगों की माने तो शहनवाज आलम के बड़े भाई पूर्व सांसद सरफराज आलम अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यजना की रिपोर्ट। जब से मैं राजनीति में हूँ रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो। हमारी पत्नी और बच्ची और माँ पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूँ, आने वाले दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार हों। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मैं रात में घर में आग लगा रहा था। उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो JCB मेरे घर में चलाना चाहता था। उनके साथ हाजी खलील था। उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था। उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। मुझे फोन आया गांव के लोगों का, घर से फोन आया कि चार गाड़ी से लोग सिसौना बड़ी तेजी से चार गाड़ी घुसा है, उसमें बहुत खेत के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हमारे बड़े भाई राजद के प्रत्याशी जनाब सरफराज आलम साहब वो अपनी गाड़ी से तीन अन्य गाड़ी से करीब 15 की संख्या में लोग पहुँचे। बाहर हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी 8 वर्षीय बेटी वो टहल रही थी। उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही गंदी गंदी गाली से प्रयोग किया और उनके साथ जो लोग थे, कुछ देर में उनका भी नाम मैं आप सबों को दूंगा, वे लोग बाहर में एक कमरा था उसका ताला तोड़े, हमारी पत्नी के गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा, लेकिन शाहनवाज को नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। और पूरे घर हमको खोजने लगे वो लोग। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई, करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है। जब उन लोगों को प्रशासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहां से भागे। उसके बाद उसकी सूचना हमने SP साहब को दी, DSP साहब को दी, DM साहब को दी, जो कि 8 थाना को दी। तमाम लोग करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँचे, मैं भी अररिया से पहुँचा। हमने लिखित में जो है क्या, आप साहब चुनाव पूर्व बोलते थे कि जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आज जनता के फैसले को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके फैसले को ललकार रहे हैं क्या? तेजस्वी जी, ऐसे प्रत्याशी से आप सीमांचल में राजद के नया पार लगाना चाहते हैं? टिकट मिलने के बाद आप मां से आशीर्वाद लेने आए थे? उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। आप बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया है। जब से मैं राजनीति में हूं रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। मैंने कभी पलट के उन बातों को नहीं देखा, मैंने आगे चलना सीखा। लेकिन जब आज जब हमारी पत्नी और बच्ची और माँ पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैं खुली चेतावनी देता हूं,
आप लोगों के माध्यम से अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या कोई मेरा कोई जो कि हाट के आम आदमी का भी बाल बांका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूं, आने वालों दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मैं रात में घर में आग लगा रहा था, उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो जेसीबी मेरे घर में चलाना चाहता था, उनके साथ हाजी खलील था, उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था, उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। क्या मतलब बनता है रात के अंधेरे में 10 बजे एक माननीय विधायक के घर में जा पाके आप लोग आक्रमण कीजिएगा? मैं बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूं, मैं बिहार के प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और हाथ जोड़ करके जो की जनता से कहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत शर्मिंदगी की बात है, आज जितने भी लोग राजद को जो की हाट में वोट नहीं दिए गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा है और वो लोग बोले कि मेरा सही फैसला था, और साहब जिन लोगों ने आपको वोट दिया शर्म से उनका सर नीचा कर दिया आपने। आप परिवार के सदस्य हैं, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं, अगर किसी तरह की कोई तकलीफ थी हम सारे लोग बंद कमरे में बैठ के बात कर सकते थे, आपने तो अति कर दिया, हम तो सम्मान देते रहे। और आपकी बेटी है इधर आओ, ये 8 वर्षीय मेरी बेटी है, क्या उनकी बेटी नहीं है? इसको मां बहन लगा के गाली दिया गया, क्या मेरी पत्नी उनकी बहू नहीं है? उनको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक गालियों से नवाजा गया जिसका मैं वर्णन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। यही चंद बातें हैं, मुझे उम्मीद है प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगी, जो कि हाट के मतदाता इस बात को संज्ञान में लेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं साथ ही साथ प्रशासन से ये अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो लोग भी थे 24 घंटे में उनकी और उनकी गाड़ी के साथ गिरफ्तारी हो, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तमाम जो कि हाट के लोग जन आंदोलन पे उतरेंगे। इसको लेकर के जो कि हाट थाने में आवेदन दिया है। जी दिया हूं, एकदम दिया हूं। हाँ, कितने लोगों को? 15 लोग उनके साथ थे जिसमें कि हमने हमारी पत्नी ने साथ की पत्नी है तो आए दिन फेसबुक या पॉलिटिकल लोगों को देखती रहती है, 7 आदमी को उन्होंने चिन्हित किया है और कुछ अन्य लोग हैं। मुझे लगता है कि जब क्या कहते हैं जांच होगा सारे लोग क्या कहते हैं उनका नाम भी आ जाएगा। एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी जो राजद युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू का था, और एक और लड़का था उसमें खरैया बस्ती का बबलू है, उसकी भी गाड़ी थी स्विफ्ट, वो भी है। एक फिरोज मुखिया सतबीटा का है, उसका SUV है 786 नंबर है, वो भी था। और सरफराज साहब खुद इंडिवर नाम की गाड़ी जो 1 नंबर से उससे थे। ट्विटर हैंडल पे कहा जा रहा है कि नशे की हालत में आए थे, तो क्या सही बात है? जांच का विषय है, नशे में थे सारे लोग, नशे में थे, नहीं तो कोई शरीफ आदमी के घर रात के 10 बजे आप क्यों जाओगे? आपको कोई बात होगी, आप परिवार के सदस्य, आप आदेश करते, हम लोग जो अररिया पहुंच जाते। इसके पीछे पूर्ण रूप से राजनीति माना जाए? देखिए इसके पीछे राजनीति क्या होगी, हमने पहले ही भी बोला कि जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। आप ही कहते थे जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, तो आज आपको जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। गुहार लगा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये जो गुंडे लोग आए थे इनको गिरफ्तार होना चाहिए, इनको पूछा जाना चाहिए कि भाई रात के अंधेरे में किसने तुम्हें हक दे दिया? भारत के किस संविधान में है कि रात के 10 बजे तुम किसी की माँ बहन बेटी को गाली दो? यह अपमान शाहनवाज आलम के जो कि हाट विधायक के पत्नी माँ का नहीं है, यह अपमान जो कि हाट के हर एक वो माँ बहन का है जिसने महज चंद दिनों पहले शाहनवाज SP मामले को संज्ञान में लिए हैं और जांच हो रही है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि शाम तक गिरफ्तारी